साहेबगंज जिले में झारखंड सरकार की चलाई जा रही योजना फेल मालूम हो रही है। सुदूरवर्ती इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र खुलते ही नहीं है। मामला बोरियो प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका रहता है। झारखंड सरकार की ये योजना कुछ और ही बयां कर रही है। बच्चों की उपस्थिति के नाम पर केवल कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। मौके पर पहुंचे रफ्तार मीडिया के संवाददाता सुजीत कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर कि आंगनबाड़ी सेविका तो नहीं, महज खाली यह स्कूल देखने को मिला है। और यहां कहने के लिए तो कहा जा रहा है कि मतलब बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं यहां, लेकिन यहां पर देखा जाए तो एक भी बच्चे यहां मौजूद नहीं है और यहां पर ताला भी लगा हुआ है। तो ऐसे में देखा जाए तो झारखंड सरकार के वादे और इरादे में बहुत अंतर देखा जा रहा है। कैमरामैन के साथ मैं सुजीत। कौन से आंगनबाड़ी की सेविका हैं, बताइए नाम? बताने के। क्या नाम है आपका? फूलमुनी मुर्मू। तो कितने बच्चे आपके यहाँ पे हैं रजिस्टर्ड? 40 को। 40 जी। MDM हुआ आज आपके यहाँ, हुआ भोजन वगैरह? हाँ, हो गया आज तो। तो उपस्थिति पंजी कहाँ है आपका? घर में है सर, कहीं छोड़ सर। आप रखते हैं तो फिर आप बता रहे हैं कि नहीं है, क्या कारण है? कारण तो कुछ भी नहीं है सर, मतलब एक बार देखेंगे जाकर। नहीं, आप पिछले 10 मिनट से यही बात बोल रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर, चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, यदि ऐसी बातें हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कार्य नहीं कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई कोताही जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल